वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज 25th of July एंड आज मैं सुबह 9:30 को मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है। आज हमारी जोई का फर्स्ट घर पे पूजा है आफ्टर वो छठी के बाद आज षष्ठी पूजा है घर पे। सो फिलहाल जोई का चल रहा है मसाज, तो आपको साउंड आ सकता है। मैं अभी जाऊँगी नहाने, बट उससे पहले मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सो या आज का जो ब्लॉग है उस पर बने रहिए एंड क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो तो मैं ब्लॉग में शेयर कर ही दूंगी। सो चलिए मैं नहाने जाती हूँ एंड आके मिलती हूँ। नहा धो के हम सब हो गए फ्रेश एंड आज जय का मूड ऑफ है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट रखे हैं। पीछे मम्मी पूजा का सब रेडी कर रही है, तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। जोई अभी रेडी होके ऑलमोस्ट सो रही है, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके फिर मिलती हूँ। छोटी सी लिटिल सी डॉल जो है ना वो सो रही थी, अभी उठ गई है और रोने लगी है। देखिए कितनी अच्छी सी प्यारी प्यारी ड्रेस पहन के रेडी हो गई है और हाथों में ऐसे कंगन पहनी है, पाँव में ऐसे पायल लगाया हुआ है ना बाबू। अभी चलो मम्मी रेडी हो जाएगी फिर आपको रेडी कर देगी। ओके, ये ड्रेस किसने भेजा आपको? बनी भैया ने भेजा था ना, है ना? चलो ठीक है, ऑल बाबा जी ले लो, पैसे फायल ले लो, चलो ले लो। मैं हो गई हूँ रेडी फुल्ली एंड अभी जोई को बाकी जो बच्चा कुचा रेडी कर ले वो रेडी कर लेती हूँ एंड पूजा स्टार्ट हो गई क्योंकि पंडित जी जो है वो आ चुके हैं, तो फटाफट चलते चल के पूजा जो है वो कर लेते, एक घंटे में हो जाएगा शायद। उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, मैं जोई को भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? तो जोई भी हो चुकी है रेडी, वो सो गई है, वो तो सोती फिर जागती है, ठीक है? सबको हेलो बोल देना। चलो अभी चलते हम लोग पूजा की वहां पे और मम्मी भी पीछे रेडी हो गई, चलिए चलते हैं ना। चलो ভূষিত বরদায় সচন্দন বীজবস্ত পরিধান নমস্তে ষষ্ঠী দেবীভ্যে নম জয় দেবী জগন্নাথ। तो पूजा हो चुका है कंप्लीट एंड अभी बज रहा है 1:15। हमने प्रसाद वर्षाद खा लिया, सब लोगों ने चाय भी पी ली है एंड अभी यहाँ पे जोई सो रही है, वो सो गई थी एंड पूजा का जो क्लिप है ना वो मेरे फादर इन लॉ ने लिया था, तो मैं वो डाल दूंगी, एक्चुअली डाल दिया है। और आज ना घर पे और आने वाला है विप्लव भैया और उनके वाइफ आने वाले, मम्मी पीछे बैठी हुई, विप्लव भैया और उनके वाइफ आने वाले हैं, लेकिन उन लोग हैदराबाद जा रहे हैं, तो यहाँ पे आके जोई से मिल लेंगे उन लोग भी। सो अभी मैं क्या करूँगी, मैं ना घर पे ऐसे सारी अच्छी मम्मी करती हूँ, माँ हाय कहो तो हाय तो मम्मी सारा काम कर दे रही है क्योंकि साड़ी वाड़ी पहनो ना तो बहुत कुछ कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो ये सब क्लीनिंग वीनिंग जो करना है ये कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आज से मैं कुकिंग कर सकूंगी। सो मैं जाऊँ और फिश फ्राई करूँगी, बस यही काम है मेरा, ठीक है? तो चलिए मिलते हुए आपसे थोड़ी देर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फिश फ्राई, सो मैंने नींबू और नमक से इसको मैरिनेट कर लिया एंड यहाँ पे एक बेसन एंड रवा और कुछ का मैंने बैटर मैं रेडी करूँगी, तो इससे मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी। आज मैं और जोई मिलके फिश बनाएंगे, तो दिस इज़ एज पर द रिचुअल ये करना है, बाकी सारा जो खाना है वो रेडी है।
टाइम फिलहाल हो रहा है शाम के 8 एंड लास्ट आई थिंक क्लिप जो था वो फिश फ्राई करने का था. सो एज पर द रिचुअल आज मैं फिर से किचन में जाके खाना पका सकती हूँ आफ्टर 1 month. सो हाँ, मुझे और जोई को ही पकाना था, लाइक द न्यू बोर्न बेबी एंड द मॉम शुड कुक, ऐसा रिचुअल होता है. तो ऐसा हमने प्रॉपर कुक तो नहीं किया, मैंने बस फिश फ्राई किया एंड जोई को गोद में लेके बस फिश को ऐसा पलट किया था. और आज ना सारे मेरे वीडियोग्राफर्स अलग अलग हैं, लाइक मेरा फर्स्ट जो पूजा वाला वीडियो क्लिप है वो मेरे फादर इन लॉ ने फर्स्ट जो मेरा पूजा वाला क्लिप है वो मेरे फादर इन लॉ ने लिया था. एंड उसके बाद जो फिश फ्राई करने वाला छोटा मोटा शेकी शेकी क्लिप है वो मेरी मम्मी ने लिया है. तो मम्मी को मैंने बोला आपने ये क्या क्लिप लिया, तो मम्मी ने बोला मैंने आज तक कभी फोटो खींचा है क्या, मतलब मेरी मम्मी कभी फोटो वोटो इतना खींचती नहीं है, फोटो खींचना इतना क्या खींचती नहीं है, फोटो खींचना वीडियो करना उनको बस यूट्यूब में रेसिपीज कुकिंग रेसिपीज देखना है, कुछ कुछ सीरियल देखी कि बस वही करती है फ़ोन पर और फ़ोन पर बात करते थे किसी का कॉल है, कुछ कॉल भी नहीं करती थी. तो एनीवेज अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने क्योंकि दिन भर आज बहुत सारी एक्टिविटी होगी. पूजा हुआ, पूजा होने के बाद आफ्टरनून को विप्लव भैया और उनकी वाइफ आए हुए थे. उसके बाद हमने अच्छे से लंच वंच किया, लंच करने के बाद बहुत सारे कपड़े लगाए और फिर अभी उन लोग चले गए, उन लोग फ्लाइट है 9 o'clock को. सो उन लोग निकल गए शाम को, मैंने जोई को फीड करवाया और अभी जय तो सो ही गए क्योंकि उनका कल नाइट शिफ्ट था और वो दिन भर सो ही रहे और तबीयत भी खराब है, सबका तबीयत खराब है, सबको जुकाम हो गया. तो अभी मैं आ रही कि चलो अभी जोई भी थोड़ा सा सो रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, तो अभी मैं सो जाती हूँ. उसके बाद अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों से मिलूँगी और फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है. सो आई सी यू गाइस इन अ वाइल. डैप ले ली थी. आज है नेक्स्ट डे इवनिंग, मतलब कल रात को मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. अभी शाम का टाइम है एंड मैं आई हूँ थोड़ा सा फ्राइड मैगी बनाने के लिए, तो फटाफट मैगी बनाती हूँ. और फिर अच्छा, कल ना जोई को एक गिफ्ट मिला था विप्लव भैया और उनकी वाइफ की तरफ से, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है. जोई अभी सो रही है, मम्मी फ़ोन पे कुछ सीरियल्स देख रही है, जय सो रहा है, उसका भी तबीयत ख़राब है, मतलब फीवर हो गया उनको. सो मैं फटाफट थोड़ा सा मैगी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, गिफ्ट दिखाऊँगी, ठीक है. अब बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ फ्राइड मैगी. सो गाजर टमाटर प्याज अंडा इसे मैं बनाऊँगी, इसे बना लेती हूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से. तो यहाँ हमारा मैगी रेडी है, जैसा वाला मैं रख रही हूँ अपने ऐसे डब्बे में क्योंकि वो उठेगा फिर खाएगा, तो इसको ढक के रख दे रही हूँ. यहाँ पे मेरा और मम्मी का दोनों का है. सो चलते हैं खाते हैं. आज मुझे टुम्पी का बहुत याद आ रहा है क्योंकि फ्राइड मैगी वही बना के खिला रही थी मुझे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में. सो आई मिस यू टुम्पी.